सभी छात्रों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। सेकंड ईयर फीटर के छात्रों के लिए ब्लू प्रिंट रीडिंग हम टॉपिक ऑनलाइन क्लास के माध्यम से फीटर सेकंड ईयर फीटर के छात्रों के लिए हम ब्लू प्रिंट रीडिंग जो टॉपिक है उसमें से कुछ क्वेश्चन पुटअप, जैसे एक कंपार्टमेंट दिया गया है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे बाहर ये जो कंपार्टमेंट है इसका क्या नाम है, तो आपको एंश्योर है कवर प्लेट दी गई है, किसी भी वायरिंग हाउसिंग को कवर करने के लिए कवर प्लेट है इसमें है। जैसे पीसीडी से क्या अर्थ है, जो पीसीडी लिखी हुई है इससे आपका क्या अर्थ है, तो इससे अर्थ है पिच सर्किल डायमीटर। जो पिच सर्किल डायमीटर है पीसी, ये पिच का जो सर्किल है उसका डायमीटर जो कितना है वे, और उसके बाद है जैसे कंपार्टमेंट की मोटाई, जो इसकी मोटाई कितनी है, तो इसकी 10 और 8 18 मोटाई, तो 18 mm कंपार्टमेंट की कुल मोटाई है। उसके बाद है अब जैसे सीडी से क्या अर्थ है, जो सीडी लिखा हुआ है उसका अर्थ है सर्किल डायमीटर। और उसी प्रकार आपका जैसे छेदों के बीच के कोण, जो हॉल हैं उनके बीच के कितने डिग्री का कोण पे हॉल किए हुए हैं, तो ये 45 डिग्री के कोण पे सभी हॉल किए गए हैं। तो आप सभी छात्र जैसे ब्लू प्रिंट रीडिंग से आपको कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो आप पहले कंपार्टमेंट को ध्यान से पढ़ें और देखें समझें अब ये कंपार्टमेंट क्या है, इसमें डायमीटर में क्या कौन से चिन्ह किस डायमीटर डायमेंशन के लिए चिन्ह उपयोग किए गए हैं, उन सिंबलों का क्या अर्थ है, क्योंकि सिंबल का अर्थ भी पूछ सकते हैं, जैसे पी यहाँ में ये जो चिन्ह है ये आपको किसका, जैसे व्यास को चिन्ह दर्शाने के लिए, या टेन से जो व्यास ये आपको फाई दिया गया है ये किसका अर्थ है, तो इसका मतलब है व्यास है, डायमीटर है जो सर्किल की कितनी है, जैसे कुल क्षेत्र कितने हैं तो 8 होल दिए गए हैं। आप पी सी डी जैसे पिच सर्किल डायमीटर है, उसी प्रकार जैसे कुल कंपार्टमेंट की मोटाई या चौड़ाई पूछी जाए, चौड़ाई कितनी है तो 115 है, मोटाई 18 है, तो इस प्रकार आप ये जो बना हुआ है ये क्या कंपार्टमेंट है, ये कवर प्लेट दी गई है। तो आप सभी छात्र जैसे और ब्लू प्रिंट रीडिंग में कोई भी पार्ट्स देके आपको मशीन का और उसके क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, या कोई आइसोमेट्रिक से आपसे जैसे व्यू है डायमेंशन पूछी जा सकती है, लाइन का नाम पूछा जा सकता है, व्यू का नाम पूछा जा सकता है, या जैसे रिविट जॉइंट है कौन सा रिविट है, पिच का क्या व्यास है, कौन सी रिविट है, तो ये सभी ब्लू प्रिंट रीडिंग के माध्यम जो टॉपिक है उसमें इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो सभी छात्रों से मेरा यही आग्रह, अगर आप ब्लू प्रिंट रीडिंग को अच्छी तरह पढ़ें और समझें और उसके बाद आप पूरा तरह उस ड्राइंग को समझने के बाद उसके जो भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों का आंसर देने का अभ्यास करें। थैंक यू, और जो कोई समस्या उसके लिए आप ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू, ओके। आप सभी छात्र ये ड्राइंग जो दी गई है, क्योंकि पेपर कभी भी हो आप अपनी तैयारी निश्चित रखें, कोई समस्या हो उसके लिए समस्या का समाधान अवश्य कराएं। थैंक यू।